नहीं पसंद, मैं ऐसे सहन भी नहीं कर सकती, पर मुझे गर्मियों की एक चीज बहुत पसंद है जो कि है मैंगोज। हाँ जी, तो आज का चैलेंज मेरा यही है, ईटिंग मैंगोज फॉर लेजिट 24 आवर्स। आज मैं पूरे दिन आम खाने वाली हूँ, मतलब सोच सकते हो आज का दिन मेरा कितना हैपनिंग होने वाला है, ओनली मैंगोज मैंगोज मैंगोज। और फिर मैं बहुत सारे पिंपल्स भी ले आऊँगी, टच वुड ऐसा ना हो। पर हाँ जी, आज का चैलेंज यही है। और मैं ये भी बताने वाली हूँ कि मैंगोज से आप क्या क्या नई नई डिशेज बना सकते हो, तो प्लीज़ ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। और हाँ, और अभी हो रहा है टाइम 9 बज रहे हैं सुबह के, और ये मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है, तो देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। क्या स्वाद आ रहा है ना, मतलब आम का और चाट मसाला, वेरी टेस्टी। अभी के लिए तो भूख मिट जाएगी मेरी, पर मुझे नहीं पता है मैं लंच में क्या खाने वाली हूँ, कुछ सोचा ही नहीं। और मैं पूरे दिन आम नहीं खा सकती यार, मतलब मीठा मीठा हो जाता है, तो आई डोंट लाइक। लेट्स सी, ड्रिंक भी बनानी थी और मेरी इतना इच्छा हो रही है ना वैसा कुछ लिक्विड पीने की, पर मैं पी नहीं सकती क्योंकि आमरस मुझे पसंद नहीं है, और कोई दूसरी ड्रिंक मुझे समझ नहीं आ रही थी इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। गाइज, आप लोग भी कमेंट में बताओ कि आप लोगों को आमरस पसंद है या नहीं है, क्योंकि मुझे तो नहीं भाता हूँ। I don't know what I'll have in lunch, but I can't eat mango, you know, all day just mango. I want some flavors. So yeah, let's see what I'll make. So milte hain lunch time pe. पका हुआ नहीं है, कच्चा है, तो हमें ये लगेगा।
लंच और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इतने अच्छे मैंगो राइस बना लूंगी, क्योंकि ये फ्लेवर ना एकदम नया था मेरे लिए। मैंने पहले कभी ऐसे राइस नहीं खाए, एकदम टैंगी सा और कच्ची कैरी का जो फ्लेवर आ रहा था खट्टा सा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो मैंने पीसेस कट कर रखे थे उसके साथ तो खाने में और ही मजा आ रहा था। तो अगर आप लोग भी बना रहे हैं तो प्लीज पीसेस कट करके तो रखना है, और उसके साथ का ना दुगना मजा हो जाएगा आपके राइस का। हाँ, तो एकदम पेट भर के मैंने मेरा लंच कर लिया है। मतलब अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है मैंगो चैलेंज में। ब्रेकफास्ट भी मैंने अच्छा खासा करा था और अभी लंच भी मैंने पेट भर के कर लिया है। तो अब मुझे डायरेक्ट भूख लगेगी 4 बजे, तो अब मैं आपसे मिलती हूँ 4 o'clock और देखते हैं कि तब मैं क्या खाती थी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम मिलेंगे वापस 4-5 बजे और अभी टाइम हो रहा है 4:30 और मुझे बहुत भूख लगी है। मतलब बहुत भूख लगी है, ऐसा मन हो रहा है कुछ और भी खा लूँ, बट गाइस मैंने अभी तक सिर्फ जो लंच किया था वही किया है, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो अब बस मैं किचन में जा रही हूँ, देखते हैं कि हम क्या बनाते हैं। तो मैं अब बनाने जा रही हूँ मैंगो मूस। फिर मैं कहाँ जाऊंगी। तो और हाँ, अगर आपको मैंगो मूस बनाना ही है तो प्लीज आप ये रेसिपी ट्राई करें और कमेंट में बताइएगा भी कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी, क्योंकि ये बहुत यम्मी है, ट्रस्ट मी। और मेरी कच्चे आम जो मुझे ऐसे नमक मिर्च लगा के है, तो खट्टी चीजें इतनी पसंद है ना, इतनी पसंद है ना, मतलब देखो मेरे पापा क्या खा रहे हैं। पापा आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, खा नहीं सकते। आपका मैंगो डे है ये। पता है पाप चढ़ गया, भगवान पाप देगा, आप नहीं खिला रहे ना। नहीं, आपका चैलेंज है। हो रहा है 9:30 और मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है अपना मसाला, जो है बॉइल्ड पोटैटो जिसके अंदर है रॉ मैंगोज, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरा तेल गरम हो रहा है, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ रॉ मैंगो कटलेट। तो देखते हैं कैसा बनता है। मेरा डिनर बहुत टेस्टी था, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा भी बन जाएगा, बहुत ज़्यादा यम्मी था। मैंने कितने कटलेट खा लिया और इतना हैवी हो गया था, इसलिए मैं ये खा नहीं पा रही थी, तो मैंने बचा के रखा ये मेरे लिए। और अब मैं ये खाने जा रही हूँ
मुझे ये चैलेंज करने में सच में बहुत मजा आया। मैंने इतनी नई नई चीजें खाई, नई नई चीजें बनाई। यूट्यूब मुझसे बहुत कुछ करवा रहा है, मतलब मैं किचन में ही रहती हूँ आधे टाइम अब। सो या गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही चैलेंजेस बनाती रहूंगी। और बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइए कि आपको सबसे अच्छी डिश कौन सी लगी। और आप लोग बिल्कुल भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते गाइज, सिर्फ देख लेते हो और चले जाते हो, गलत बात है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अब मैं ये अपना मैंगो फ्रैपे खाऊंगी और सो जाऊंगी।